गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका शारीरिक शिक्षा में पार्ट दो स्वास्थ्य शिक्षा का पार्ट फर्स्ट है। इसके क्वेश्चन आंसर्स में और ये आपको एक्सरसाइज वर्क करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्वस्थ रिक्त स्थान है इसमें पहला, स्वस्थ मनुष्य किसका दास नहीं होता। तो किसका दास नहीं होता, तो इसमें आप लिखेंगे परिस्थिति का दास नहीं होता, ठीक है। व्यायाम डैश करना चाहिए, तो व्यायाम नियमित करना चाहिए। पढ़ते समय किसमें बैठकर पढ़ना चाहिए, तो उचित मुद्रा में बैठकर पढ़ना चाहिए। श्वसन क्रिया किससे करनी चाहिए, तो श्वसन क्रिया नाक से करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने इसमें खालिस्तान भर देंगे। आगे चलते हैं, व्यायाम से रोग नष्ट होते हैं, तो व्यायाम से रोग नष्ट होते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका राइट। रोगी व्यक्ति स्वयं राष्ट्र की उन्नति कर सकता है, तो रोगी व्यक्ति कैसे कर सकता है, तो ये असत्य है। व्यायाम से मन नियंत्रण में रहता है, राइट। आँखों के नीचे काले निशान में गड्ढे होना अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है, ये गलत असत्य, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है, व्यायाम से क्या लाभ होता है, लिखिए, ठीक है। तो व्यायाम से लाभ लिखना है कि व्यायाम से मांसपेशियां शक्तिशाली होती हैं, शरीर में स्फूर्ति आती है, गतिशीलता आती है, आलस्य दूर होता है, श्वसन तंत्र की गति संतुलित रहती है, तथा पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भोजन तथा उत्तम साहित्य स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि शरीर के विकास और वृद्धि के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है, इसके अभाव में शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसलिए आवश्यक पोषक तत्वों का भोजन में उचित अनुपात में मात्रा में होना आवश्यक है। उत्तम साहित्य के अध्ययन से बालकों का चारित्रिक मानसिक व नैतिक विकास होता है, इसलिए उत्तम साहित्य का स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यह आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वास्थ्य रक्षा क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। शरीर व मन एक दूसरे के पूरक हैं, मन की इच्छा के अनुसार ही शरीर कार्य करता है, मन ही शरीर को उचित या अनुचित की प्रेरणा देता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए भोजन, व्यायाम, उचित निद्रा तथा विश्राम, शारीरिक स्वच्छता और उत्तम साहित्य आदि को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो ये आपके चारों के चारों लघु प्रश्न और ये रिक्त स्थान और सत्य असत्य कॉपी में अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करने। ओके, थैंक यू।